आज हम लोग खेल रहे माइनक्राफ्ट। तो आज हम लोग खेल रहे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़। तो पुरानी सर्वाइवल सीरीज़ हमने बंद कर दी है, लेकिन कोई दुखी होने की बात नहीं है, हमने नई सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट की है। तो अगर आप पूछ रहे होंगे कि पहले से एक सर्वाइवल सीरीज थी तो दूसरी सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने की क्या ज़रूरत है, तो पिछली सर्वाइवल सीरीज थोड़ी बहुत नॉर्मल हो गई थी। मतलब कि ऐसी सर्वाइवल सीरीज बहुत सारे यूट्यूबरों ने पहले से रख ली है, तो कुछ अलग होगा तभी आप शेयर करोगे और तभी आप देखोगे। तो इस बार हम लोग खेलने वाले एकदम फ्रू की तरह, तो मतलब कि आपको समझ में नहीं आएगा इस तरह से मैं बताऊँगा, तो अभी आप देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले खेलने के लिए हम पहली प्रोटीप ये है कि जब भी आप आए तो आप ट्री को मतलब कि कट कर लीजिए, जिस तरह से मैंने अभी कर लिया है। लेकिन मैं तो ट्री के ऊपर ही स्पॉन हुआ था। तो उसके बाद हमें बनाना है वुड, बनाते हैं हम जिस तरह से नॉर्मल, और वुड के बाद हम क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे। ये सब तो नॉर्मल है, ये तो हम सब करते हैं। पहले मैं कोऑर्डिनेट्स ऑन कर देता हूँ, मुझे याद नहीं रहेंगे तो वीडियो में तो आ ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सिर्फ एक पिकैक्स ही बनाएंगे और कोई भी चीज़ नहीं बनाएंगे। मतलब कि कहीं सारे लोग होते हैं जो कि पिकैक्स एक्स तलवार सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन ये सब कुछ बनाना वेस्ट होगा। क्यों वेस्ट होगा? तो जब भी हम थोड़ा बहुत नीचे खोदते हैं, मतलब कि लगभग 2 से 3 स्टेप, तो तभी मतलब कि हमें ये मिल जाते हैं स्टोन। तो ये हो गई हमारी एक प्रो टिप आपके वीडियो की कि आप कभी भी ज़्यादा चीज़ें मत बनाइए। लकड़ी की, क्योंकि लकड़ी का वेस्ट होगा और स्टार्टिंग में ऐसे भी हमें लकड़ी की बहुत ज़रूरत होती है, और हमें सिर्फ पिकैक्स की ज़रूरत होती है। बाकी सब चीज़ें हम स्टोन से बना सकते हैं, और स्टोन लकड़ी से ज़्यादा मिलता है हमें, क्योंकि लकड़ी के लिए पहले ट्री उगानी पड़ती है। कई बार हम अगर आइलैंड में स्पॉन होते हैं तो ट्री भी बहुत कम होती है, और इसके अलावा स्टोन कटता भी जल्दी है लकड़ी से। तो अभी हमारे पास स्टोन भी इनफ हो गया होगा, तो अभी हम लोग जाते हैं ऊपर। और हमें थोड़ा बहुत फटाफट काम करना पड़ेगा, क्योंकि माइनक्राफ्ट में अगर एक बार रात हो गई और बेड नहीं बना तो फिर हम मुश्किल में आ जाएंगे। और अभी आप लोग स्टोन से सब कुछ बना सकते हैं, मतलब कि एक्स से या फिर सॉर्ड है वो सब कुछ बना सकते हैं। और अभी हम स्टोन से भी ज़्यादा चीज़ें नहीं बना रहे, सिर्फ ये 3 ही चीज़ बना रहे, क्योंकि ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। और अभी हमें चाहिए सीप, और इधर दुनिया के सारे एनिमल्स हैं, सिर्फ सीप ही नहीं है। और ये मुझे तीसरी सीप मिल गई है, और अभी हम लोग बेड बना सकते हैं। एक और बात है कि आप इस तरह से फ्लावर भी ले सकते हैं। तो फ्लावर से क्या होगा, मुझे तो 3 के 3 वाइट वूल ही मिले हैं, तो मैं तो वाइट वूल से भी बना सकता हूँ बेड। लेकिन अगर आपको अलग अलग कलर्स की सीप मिली है तो आप उस, अगर आपके पास फ्लावर है तो आप उससे भी बना सकते हैं। और अभी वुड की कमी है, नहीं वुड भी है हमारे पास, तो अभी हमारा ये बन चुका है। तो अभी हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, अभी हमें बस विलेज की तरफ निकल जाना है। मतलब कि जिधर भी आपको चांसेस लगे कि विलेज है उधर हमें चले जाना है। और अगर रात हो जाती है, जैसे कि अभी ही रात हो गई है, तो हमें बस ये बेड लेके स्टोन जाना है। रात होने के टाइम मतलब कि आप क्लिक करते रहिए थोड़ा बहुत पहले से ही, क्योंकि एकदम आप सो जाओगे तो मॉब बिल्कुल मतलब कि बहुत ही कम स्पॉन होंगे। और अगर आप थोड़ी बहुत देर लगा दोगे तो क्रीपर व्रीपर स्पॉन हो जाएंगे, तो भाई कुछ भी हो सकता है, मतलब कि मॉब से पंगा नहीं लेने का। 2 days later विलेज में आ गए। तो अभी कुछ एक्स्ट्रा प्रो टिप्स इस तरह से मैं अभी तक देता हूँ ऐसे ही दूंगा। तो एक तो ट्रिक ये है कि मैं ये तोड़ दूंगा पहले, इधर रख देता हूँ। 2 very boring minutes later बाद सबसे पहले आप आयरन गोलम को मार के आयरन ले सकते हो। मतलब कि स्टार्टिंग में आयरन लेने का सबसे ईजिएस्ट वे होता है, आपको सिर्फ 3 ब्लॉक या 4 ब्लॉक ऊपर जाना है, और इसके बाद आप इसको मार के मतलब कि ये आयरन इसका ले सकते हो। ये तो आपको पता ही होगा कि आप आयरन गोलम को जब भी मारते हो तो आयरन मिलता है, तो आप इस तरह से आयरन ले सकते हो। और एक ही था इस विलेज में, शायद से एक ही था, लेकिन हमें देख सकते 5 आयरन मिल चुके इधर बिना कुछ करे। और अभी ये विलेजर अंदर भी नहीं आ पाएंगे, हमें 5 आयरन मिल गए, इसके हम पिकैक्स बना सकते हैं। तो अभी हम लोग डायरेक्ट जो है वो आयरन की वो स्टार्ट कर सकते हैं।
क्या कह सकते हैं, माइनिंग, डायमंड की माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं अभी हम लोग डायरेक्ट। और मेरी वैल्यू बहुत कम हो गई है इस विलेज की, मतलब कि मैंने इनका आयरन गोलम भी मार लिया, इनका बेड भी छीन लिया, लेकिन वैल्यू का कोई फ़र्क नहीं होता। हम लोग जॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट करके अगर करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएंगी। और इधर पिक्स मिल चुके हैं मुझे, मेरे पिछले वर्ड में पिक्स भी नहीं थे। और कैट भी है, मतलब कि टैम करना कितना ईजी हो जाएगा, टेंट को कहाँ, कैट को टैम करना कितना ईजी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा विलेज मिला है मुझे, इस विलेज में मुझे आयरन गोलन कैट सब कुछ मिल गया, पिक्स। और इधर बहुत सारी ग्रास है, वो भी हम लोग ले लेंगे। देखो हम इधर से उखाड़ेंगे ये, वापस फार्मिंग कर लेंगे, मतलब कि फ्री का फूड है, फूड है। इस विलेज में बहुत सारे फार्मर है, मतलब इधर 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 तीन तीन फार्मर है। ये डील किस में कर रहे हैं? अगर आप फार्मर को जॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट करके वापस विलेजर में कन्वर्ट करोगे तो एक पंपकिन के बदले में ही आपको एक एमरल देगा, तो मतलब कि एफ के पंपकिन फार्म आपके लिए एफ के एमरल फार्म बन जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है आप फार्मर। तो जब भी हम लोग उधर जा रहे हैं वो क्या है वो देखने के लिए, मतलब कि क्या है तो वो तो मुझे पता है, ये नए अपडेट के बाद आया है, इसको कुछ कहते हैं मुझे भी याद नहीं है अभी ठीक से क्या कहते हैं, लेकिन मुझे पिकेक्स चाहिए होंगी शायद उधर, जिसमें कुछ खास लूट नहीं होती है, ज़्यादातर गोल्ड की लूट होती है और गोल्ड के एक दो ब्लॉक्स मिल जाते हैं हमें। और हमें खेती के लिए भी बहुत कुछ मिल गया, मतलब कि वीट मिल गया, वीट तो हम कहीं से भी ले सकते हो, वीट सीड तो, और इधर गाजर और ये दो मिल गए, और शुगर केन भी है हमारे पास, सिर्फ अभी एक आलू ही नहीं है खेती के लिए, आलू किसी और विलेज में मिल जाएंगे, आलू ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं होती। उधर चेंस भी है, और मेन चीज़ ये भी है ये जो लावा ब्लॉक होता है, और ये भी मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है हमें, नेदर की ज़्यादातर चीज़ें मिल जाती है। तो अगर आप स्टार्टिंग में घर मतलब कि नेदर की चीज़ों से सजाना चाहते हैं तो नेदर में गए बिना अच्छा रहता है। और ये मैं लावा भर देना चाहता हूँ कि लावा रिस्की हो जाता है। क्योंकि भाई एक ही है आयरन पिकेक्स अभी हमारे पास। और अभी चेस देख लेते हैं फाइनली, वाओ ब्लास्ट प्रोटेक्शन जो कि कुछ खास नहीं, इधर फॉर्चून 3 और एफिशिएंसी 5 और अर्म ब्रेकिंग 3 मिल गया है, और फ्लिंट एंड स्टील मिल गया, और ये नगेट से 9 से 1 मिलता है, तो 3 आयरन के एंगेट बना सकते हैं हम, इतने नगेट मिल गए, 27 नगेट मिले हम, 3 एंगेट तो बना ही देंगे इससे, कि इससे से थोड़ा ही आगे आते हमें मिल गया है ये डेजर्ट टेम्पल, मतलब कि फर्स्ट एपिसोड में ही हमें मतलब कि सब कुछ मिल गया है, तो मतलब कि बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट एपिसोड में मिल गई है। ये सीड मतलब कि अच्छी, अगर आप इस सीड में खेलना चाहते हो तो, चाहते हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा मेरी सीड कौन सी है, तो आप खेल सकते हो। मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं है सीड में खेलना किसी की, क्योंकि
वो मतलब कि चीटिंग ही हो गई एक तरह से अगर आप सीड कॉपी करते हो तो, और गेम में चीटिंग नहीं करनी चाहिए। और इधर अंदर कोई है नहीं ना भाई, इधर भी होते हैं कभी कभी। और ये बीच से तो नहीं जाना है, इतना तो अभी सबको पता चल ही गया। अगर आपको नहीं पता है तो डेजर्ट टेम्पल कभी भी बीच से मत जाना, क्योंकि डेजर्ट टेम्पल में ये होता है प्रेशर प्लेट और इसके नीचे होता है ये TNT। तो अगर आप बीच से गए तो ये TNT टूट जाएंगे, तो बीच से मत जाना और इस तरह से इसको तोड़ देना। और इधर एमरल मिल गए, अगर मुझे इधर से वो मिल जाता है तो अच्छा रहेगा। वो मुझे पता नहीं क्या, वो सैडल पता नहीं क्या, मुझे पता है सब पता है मुझे, तो सैडल मिल जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि सैडल मिलेगा। ये गन पाउडर बहुत मिल जाए, ये भी अच्छा सैडल मिल गया तो, और ये बहुत सारे आर्मर भी मिल गए तो अभी मज़ा आएगा, मतलब कि हम लोग कहीं भी घूम सकते। दूसरा सैडल भी मिल गया, मतलब कि ये सीड मुझे प्यार हो गया इस सीड से भाई। क्या सीड मिली है, सब कुछ मतलब कि आपको मिल जाएंगे इस सीड में। और ये तीसरा सैडल भी मिल गया, और गन पाउडर तो 18 गन पाउडर हो गए, और बहुत कुछ अच्छा मिला है। मतलब कि लूट इतनी नहीं मिलती है, सिर्फ एक गोल्डन एप्पल नहीं मिला, ज़्यादातर डेजर्ट टेम्पल में मिल जाता है। मुझे लगा था मिल जाएगा, लेकिन चलेगा भाई इसे, मतलब कि इतना सब कुछ मिला फिर भी कंप्लेंट नहीं करने का अच्छी बात नहीं है ज़्यादा कंप्लेंट करना। तो इसे डेजर्ट टेम्पल का हम यूज़ भी कर सकते हैं रहने के लिए, कहीं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स आते हैं, मतलब कि डेजर्ट टेम्पल में रह सकते हैं किस तरह से रहना और वो वगैरह वगैरह। लेकिन हम ऐसा मतलब कि गरीबों वाला काम नहीं करेंगे, बड़ा सा घर बनाएंगे। The next day. Friends, welcome back to my next day recording. तो मैं इधर घर बनाने के लिए इस तरह का बायोम ढूंढ रहा था, मुझे इधर बागान नहीं बनाना था, मतलब कि पास में ढूंढ रहा था। इधर था हमारा वो डेजर्ट, वो जो डेजर्ट वाला विलेज है उससे मैं थोड़ा दूर घर बनाना चाहता था, तो मैं इधर घर बनाने के लिए आया और इधर मुझे एक और विलेज मिल गया। मतलब कि इस बायोम में मुझे, सॉरी इस सीड में मुझे सब कुछ मिल रहा है आज ही, और पम्पकिन भी बहुत सारे मिल गए इधर। ये उगे हुए पड़े हैं तो अभी ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगा, तो इधर मैं आपको दिखा दूँ कितनी नज़दीक में दो विलेज है, मतलब कि एक दूसरे विलेज को हम लोग देख सकते हैं इधर से। ये देखिए, ये पहला विलेज है जो कि इधर से दिख रहा है, और इधर ही दूसरा विलेज, ये ट्रीज के इस पार दूसरा विलेज है। तो अभी मतलब कि कंफ्यूज हो गया कि टाइटल में क्या डालूं, मतलब कि दो विलेज और वो नीदर पोर्टल और एक टेंपल मिल गया। ये शायद से डेढ़ विलेज भी हो सकता है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि विलेज ही हो, लेकिन लग तो नहीं रहा कि डेढ़ विलेज है, क्यों डेढ़ है शायद से, पता नहीं अभी जाके पता चलेगा। अगर डेढ़ विलेज होगा तो लूट अच्छी मिलेंगी, और विलेज होगा तो विलेजर्स मिलेंगे, देखते क्या है। नहीं है, डेढ़ विलेज नहीं है, विलेज ही है, विलेजर भी है तो विलेज ही है, और इधर भी फार्मर ही है, तो इधर से मुझे शायद आलू मिल जाएंगे। अगर आलू मिल जाएंगे तो हमारा फार्म कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आज शायद से फार्म ही बनाऊंगा अगर आलू मिल जाते हैं तो। नहीं, इधर भी गाजर की खेती कर रहे हैं ये लोग, और बीट रूट, ये तो दोनों चीज़ें मेरे पास है ऑलरेडी। और ये इधर कुछ करके ब्लॉक करना पड़ेगा डोर, ये अंदर नहीं आ गया ना, डोर ब्लॉक कर दिया। इधर हम लोग अब सो सकते हैं, रात को, रात होने वाली है, सो जाते हैं, वरना ये विलेजर मर जाएंगे ज़ॉम्बी बॉम्बी आ गए तो। रात खत्म, लो ब्रेड खा लेता हूँ। तो अभी देखते हैं इस विलेज में कुछ मिलता है तो, मतलब कि चेस्ट बेस्ट मिले। उस विलेज में ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली हमें चेस्ट से, लेकिन उस
ये डील क्या दे रहा है मुझे? बीटरूट सीड ले रहा है ये तो, और ये उगा भी रहा। इधर आलू है तो अभी हमारा फार्म कंप्लीट हो सकता है। तो मैं पहले ये सोच रहा हूँ कि मैं फार्म और एनिमल फार्म बना लो इधर ही, इधर पीछे बना लूँ थोड़ा बहुत, विलेज से थोड़ा दूर चला जाऊँगा इस विलेज से भी। और अभी हम मेन विलेज ये रखेंगे, मतलब कि अगर विलेजर की ज़रूरत होगी तो इस विलेज से लेंगे। तो उस विलेज से सामान ला के एक फार्म बना लेता हूँ मैं पहले, और थोड़े बहुत एनिमल भी पकड़ लूँगा। घर अभी इस एपिसोड में रहने देते हैं क्योंकि इस एपिसोड में ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है रिकॉर्डिंग। 6 hours later इतना बन चुका है, ये 2 खेत बन चुके हैं। इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, उगी नहीं है, इसलिए मैंने लगाई नहीं है। सीड्स लगा दूंगा और बाकी कुछ अभी तक मैंने किया नहीं है ज़्यादा। और इधर पम्पकिन का भी बना दूंगा, और जितने भी मतलब कि जो पैट्स हैं उनका भी बना दूंगा, वो शिप्स और काउस का भी। और जितने रेड फार्म हमने पिछली वीडियो में बताए थे, मतलब कि ऑटोमेटिक फार्म रेड स्टोन से बने हुए, उतने फार्म भी अभी बना लेंगे हम लोग। और ये सब कुछ मैं ऑफलाइन करने वाला हूँ इसीलिए बता दिया। और दूसरी एक बात, अगर आप खेल रहे हैं तो आप इस तरह से, ये भी एक ट्रिक ही है कि आप इस तरह से जिधर वाटर रखते हैं आप फार्म के अंदर, उधर ही टॉर्च रख सकते हो, तो टॉर्च के लिए अलग से आप जगह नहीं जाएंगी। और अगर आप अभी तक वर्ड बनाया नहीं है और आप अभी खेलना शुरू करने वाले हैं, तो आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि जब भी आप माइनिंग पे जाए तभी आप लेफ़्ट साइड ही अगर टॉर्च लगाएंगे तो आपको याद रहेगा कि अगर टॉर्च राइट साइड पे आ रही है तो आप घर की तरफ जा रहे हो। तो ये भी अच्छा रहेगा अगर आप डिग माइनिंग या फिर आप सीधे सीधा स्ट्रेट माइनिंग करते हैं, तो ये अच्छा होगा कि आप लेफ्ट की तरफ लगाएं टॉर्चेस। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।